नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बेसिकली एक दो मैटर है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ग्रैंड लीग जीतने के लिए ना थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, क्या होता है कि ग्रैंड लीग खेलने के लिए हम रिस्क तो लेते हैं। रिस्क लेने पर कई बार ज़्यादातर टाइम हमें नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। हम स्मॉल लीग तो खेलते नहीं हैं, स्मॉल लीग में ज़्यादा चांसेस होता है कि हम मैच जीत जाते हैं, क्योंकि उस तरीके से हमारा प्लेयर का सिलेक्शन होता है कि हम मैच लगभग जीत जाते हैं। 95% चांसेस होता है स्मॉल लीग के अंदर कि हम मैच को जीत जाते हैं। लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर एक टॉप रैंक लाना, 100 रैंक लेके आना, 100 के अंदर जाना, टॉप 10 के अंदर जाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो कॉम्पिटिशन होता है ना वो कुछ ज़्यादा होता है, लोग वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। कॉन्टेस्ट की फीस जो होती है, वो फीस जो होती है, मान के चलिए कि अगर 49 रुपये का कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर रहे हैं और 1 करोड़ का मैच है, तो उसके अंदर आपको तकरीबन 48 लाख और 50 लाख लोगों को हराना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, कि बहुत किस्मत वाले वो होते हैं जिनका एक रैंक एक टीम से आ जाता है, वरना इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लॉजिकली और कॉन्सेप्ट और पैटर्न के थ्रू चले तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे है, तो इस बारे में मैं डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि दोस्तों देखो, हर प्लेयर हर रोज अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ये आपको भी पता है अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स, मतलब कि 11 अगर प्लेयर मानते हैं हम, 11 प्लेयर को अगर लेते हैं किसी भी एक टीम से, 11 प्लेयर को अगर हम लेते हैं, तो उन 11 प्लेयर में से 11 प्लेयर तो नहीं लेकिन 6 से 7 प्लेयर ऐसे होते हैं मेरे दोस्त, जो आपको किसी न किसी दिन अच्छा पॉइंट्स देकर जाते हैं, जो ड्रीम 11 के ड्रीम टीम में कैप्टेंसी का रोल अदा करते हैं, यानी कि कैप्टेंसी के दावेदार हो जाते हैं, कैप्टन के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट देकर जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर हमें फोकस करना है। तो उस तरीके से अगर इस लॉजिक को हम तरीके से देखें, अगर सच में ग्रैंड लीग जीतना है ना, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, 49 रुपये का अगर कोई कॉन्टेस्ट है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको इतना पैसा हारे हैं, ठीक है, आपने बहुत लॉस सहा है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि हिम्मत जुटाना है, और हिम्मत जुटा के फिर से आप 5,000 रुपये या जितना ज़्यादा आप, जितना आपसे हो सकता है, 5,000, 2,000, 3,000, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप पैसे वॉलेट के अंदर डालिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि किसी 5 प्लेयर को, जैसे कि कोई टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी जो 100 का जो टूर्नामेंट चल रहा है, और इसके अंदर अभी 8-9 मैच अभी और हैं जो लीग मैच है, उसके बाद तो एलिमिनेटर राउंड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उस लीग मैच में से आपको टोटल, अगर जो टीम खेल रही है उनमें से आपको 5 खिलाड़ी चुन लो ऐसे, जो आपके कैप्टेंसी के दावेदार, आपको लगता है कि ये किसी ना किसी दिन बेस्ट पॉइंट देकर जाएंगे। जैसे कल के मैच में लॉरेंस ने अच्छा पॉइंट देकर गया, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में लोगों को बताया था कि लॉरेंस बॉलिंग भी करते हैं, हालांकि वो बैटिंग में उतने पॉइंट दिए या ना दिए, लेकिन बॉलिंग में दोस्तों उन्होंने अच्छे खास पॉइंट देकर गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप थ्योरेटिकली आप जब चीज़ों को सोचोगे, तो आप देखोगे कि कोई ना कोई प्लेयर आपको किसी ना किसी दिन सबसे बेस्ट पॉइंट देता है। तो आपको उस दिन का इंतजार करना है जो जिस दिन आपका प्लेयर अच्छा पॉइंट देकर जाए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज कीजिए कि वेल्स फायर है या फिर साउथन वेब है या कोई भी टीम हो, ठीक है, जैसे आज के जो मैच है, जैसे आज का जो मैच है वो ट्रेंट रॉकेट और साउथन ब्रेव के बीच में, तो आपको पता है कि डेविड मलान अच्छे परफॉर्म करते हैं, 2 बार कैप्टेंसी का रोल भी निभा चुके हैं, तो आप या एलेक्स हेल्स को सपोज कीजिए कि एलेक्स हेल्स सिर्फ 1 बार 100 से ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, ठीक है, या जेम्स विंस हैं या डिकॉक हैं या ऐसे ऐसे कोई प्लेयर को आप उठा लीजिए जिनको लोग कम कैप्टेंसी का चॉइस में रखे हुए हैं, और वो किसी ना किसी दिन आपको कैप्टेंसी का रोल देंगे। और कभी भी अगर आप 10 मैच खेलते हो मेरे फ्रेंड्स, तो 10 मैच में से आपको किसी ना किसी एक मैच के दिन वो सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे। आपको उस दिन का इंतजार करना है। ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और वेट करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने डेविड मलान को पकड़ लिया, ठीक है, चाहे उनका सिलेक्शन परसेंट अभी कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है मेरे फ्रेंड्स, कि डेविड मलान को आपने पकड़ लिया, डेविड मलान को आप उठाए और डेविड मलान को आप 20 टीम क्रिएट करो अपने अकॉर्डिंग हर पैटर्न पे, ठीक है, बॉलिंग डिपार्टमेंट से ज़्यादातर बॉलर को भी लेकर, ज़्यादातर 2 विकेटकीपर को लेकर जाओ आप, 4 बैट्समैन को लेकर जाओ। अगर आप डेविड मलान को पकड़ते हो तो क्या करो,
पांच बॉलर को रखो लेकिन डेविड मिलान को कैप्टन रखो, वाइस कैप्टन किसी और को रोटेट करो। आप डेविड मिलान को कैप्टन रखो, चार ऑलराउंडर को रखो, भले ही वाइस कैप्टन किसी और को बनाओ, चार बैट्समैन को रखो, तीन बैट्समैन को रखो, दो विकेट कीपर को रखो, हर तरह से हर पैटर्न से टीम बनाओ। ठीक है, जितने पैटर्न से टीम बनाओगे हर पैटर्न में आपके कैप्टन जो है वो आपके डेविड मिलान होंगे। अब उसमें आपको सोचना ये है कि क्या हो अगर किसी दिन क्या हो अगर मैच में सिर्फ डेविड मिलान चले और बाकी के प्लेयर 10 रन 8 रन बनाकर आउट हो जाए और बॉलर ज्यादा दर्द ले। मतलब इस तरीके से सारी चीजें सोच के समझ के आपको टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन आप कैप्टन सिर्फ डेविड मिलान को रखो, किसी में अपोजिट टीम के सिर्फ बॉलर को रखो, किसी में अपोजिट टीम के सिर्फ ऑलराउंडर को रखो, किसी में अपोजिट टीम के सिर्फ बैट्समैन को रखो। तो इस तरीके से मेरे फ्रेंड्स आपको टीम की पूरी फॉर्मेशन तैयार करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ कैप्टन एक ही प्लेयर होगा और वो होगा डेविड मिलान। इस तरीके से अगर आप कंप्लीट 20 टीम तैयार करते हैं तो आपका अगर जिस दिन डेविड मिलान सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट देंगे तो दोस्त आपकी सारी की सारी टीम हमेशा मतलब कंटिन्यू रैंक पर होंगी और उसके अंदर आपके प्लेयर के रोटेशन आपको हर टीम को ऊपर लेकर जाएगा। किसी में अगर ऑलराउंडर ज्यादा चले तो ऑलराउंडर वाली टीम सबसे ऊपर जाएगी, अगर बॉलिंग सेक्शन से ज्यादा पॉइंट आता है तो बॉलिंग सेक्शन वाली टीम ऊपर जाएगी। यानी कि इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी कोई ना कोई टीम टॉप 10 के रैंक में आनी ही आनी है और जिस दिन आएगी आपने पिछले 10 मैचों में 9 मैचों में जितने भी पैसे अगर आपका लॉस हुआ होगा ना वो सारा का सारा कवर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पॉइंट्स जिस तरीके से मैंने कुछ टीम क्रिएट किया हुआ है वो आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से मैंने कुछ टीम क्रिएट किया हुआ है। अब इसके अंदर देखिए मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेके आया और उसको क्या किया कि देखिए इसके अंदर मैंने बेसिकली एक पॉइंट रखा, डेविड मिलान को कैप्टन बनाया और एलेक्स हेल्स को वाइस कैप्टन बना दिया। ठीक है, मैंने ऊपर से डेविस को रखा, टीम डेविड को रखा, स्टर्लिन को रखा, जे फुलर को रखा, समीर पटेल, सैम्स और नीचे से सिर्फ बैट्समैन। कहने का मतलब है मैंने कंप्लीट ये टीम जो है वन साइडेड टीम बना दिया जिसके अंदर मैंने ये सोचने की कोशिश की है कि इस टीम के अंदर जो है फर्स्ट इनिंग के सारे ये मतलब कि फर्स्ट इनिंग में एसओ भी अगर बैटिंग करती है तो इसके सारे जो बैट्समैन हैं ये लोग टॉप परफॉर्म करेंगे, बाकी के सारे बॉलर पॉइंट लेकर चले जाएंगे। ठीक है, ऑलराउंडर से दो ले लिया, जो मतलब कि मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करने वालों को मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, फर्स्ट राउंड को भी पकड़ लिया, स्टर्लिन को भी पकड़ लिया कि ये लोग पॉइंट देके जाएंगे और सेकेंड इनिंग में जब ट्रेंट रॉकेट बैटिंग करने आएगी तो ये कम्प्लीटली इसको दोनों मारकर जीत जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक तरीके से टीम क्रिएट कर दिया। ये मैं जानता हूँ कि रिस्की है लेकिन अगर सोचो दोस्त अगर कभी ये हुआ तो क्या होगा, जो कि होगा हर 10 मैच में से एक मैच इस तरीके का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया, एलेक्स हेल्स को वाइस कैप्टन यहाँ से फिर से, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, क्विंटन डिको को रखा, ऊपर से डेविस को हटा दिया, फुलर को रखा, गार्डन को रखा, टीम डेविड को रखा। ठीक है, बाकी की टीम मैंने ज्यों का त्यों रख दिया है। इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट टीम तैयार किया है मेरे दोस्त और इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि क्विंटन डिको को रखा, वाइटली को रखा, टीम डेविड को रखा, जे फुलर को रखा और बाकी के सारे जो कहते हो ऐसे ही मैंने कैप्टन मतलब इस तरीके से। अगर सपोज कीजिए कि आर वाइटली किसी में पॉइंट देकर चले गए, टीम डेविड पॉइंट देकर चले गए, जेम्स फुलर पॉइंट देकर गए, पॉल स्टॉलिन नहीं देखे गए, क्विंटन डिकॉक मतलब मान लीजिएगा थोड़ा सा पॉइंट देकर गए तो ये टीम आपकी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी फिर। तो इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से टीम का फाउंडेशन और क्रिएशन तैयार करना। अब देखिए मैंने छठे नंबर टीम में क्या किया, अब इस टीम के अंदर मैंने दोस्त क्या किया है कि ये देखिए कैप्टन यहाँ से मैंने लिया डेविस को, यहाँ से कॉलर को, यहाँ से एलेक्स हेल्स को, यहाँ से डेविड मिलान हो गए, टीम डेविड, जेम्स विंस, जे फुलर, सैम्स और यहाँ से ये मैंने इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि सपोज कीजिए मिलान इसमें फिर से कैप्टन है मेरे, लेकिन एलेक्स हेल्स 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ये आकर फिर वन डाउन पे खेलते हैं और डेनियल सन्स को रखा बॉलिंग सेक्शन से, लूक वुड को रखा और एस कुक को रखा यहाँ से, और यहाँ से मैंने इस कैप्टन इस बॉलर को इसलिए रखा क्योंकि इसका सिलेक्शन परसेंट कम है और अगर स्टार्टिंग में अगर ये दोनों चलते हैं मेरे दोस्त ये दोनों चलते हैं तो विकेट गार्टन को या फिर जो ओपनिंग में बॉलर आते हैं इन लोगों को बॉलिंग में इन लोगों को विकेट नहीं मिलेगा, तो विकेट किसको मिलेगा, जो मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करने आएगा। और यहाँ से मैंने क्या किया कि जेम्स विंस कुछ रन बनाकर गए और ये बनाकर गए और टीम डेविड आए और 60-70 रन ये मार दिए, तो इस तरीके से मैंने टीम डेविड को यहाँ पे वाइस कैप्टन बना दिया है। और ये मतलब कि इसमें इसके अंदर भी मैंने कैप्टन किसको बनाया है, डेविड मिलान को, जो कि आप देख रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे 7 नंबर टीम यहाँ से फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डेविस से हटा के डिकॉक को रखा है, बाकी हेल्स विंस
टीम डेविड, ये सारे कुछ सारे के सारे वही हैं, ठीक है। और वाइस कैप्टन भी इसमें टीम डेविड है। क्या हो अगर वहाँ पे सिर्फ हमारे एक प्लेयर धोखा देते, डेविस ना चले, क्विंटन डीकॉक चल जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए डीकॉक को रखा हुआ है। इसके बाद दोस्त फिर से मैंने क्या किया, फिर से डेविन मलान को मैंने यहाँ पे कैप्टन रखा है। और इस टीम के अंदर देखिए सारे के सारे प्लेयर वही है, फिर सिर्फ मैंने यहाँ पे वाइटली को रख दिया है। यहाँ पे वाइटली को मैंने इसलिए रखा कि क्या पता हो सकता है कि टीम डेविड पॉइंट ना दे और वाइटली पॉइंट सबसे ज्यादा देकर चले जाए, तो ये टीम आपके ऊपर जाएगी। डेविड मलान आपके ऑलरेडी कैप्टन तो हैं ही हैं। तो अगर आप इस तरीके से टीम का फॉर्मेशन तैयार करते हो मेरे दोस्त, तो आपकी टीम किसी जिस दिन आपकी टीम जिस दिन आपके कैप्टन चलेंगे, जो कि आपको पता है कि डेविड मलान अगर 10 मैच खेलेंगे तो 4 मैच में अच्छे पॉइंट देकर जाएंगे, 3 मैच में कैप्टेंसी का नॉक खेल के जाएंगे, तो आप उसका इंतजार करो। रोज मैच हारने से बेहतर है कि रोज ये उम्मीद में कि मेरे एंट्री अमाउंट आ जाए, एंट्री अमाउंट भी जाने दो, 10 मैच में से 3 मैच का इंतजार करो, जिस 3 मैच में आपके सबसे ज्यादा पॉइंट आए। देखिए इसके अंदर फिर मैंने क्या किया है, डेविड मलान को कैप्टन और जेम्स विंस को वाइस कैप्टन, टीम डेविड को रखा, यहां से क्विंटन डीकॉक को रखा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट जो है तैयार करके रखा हुआ है। पॉल स्टर्लिंग को रखा, डेनिस सम्स को रखा, यहाँ पे जेलिन डॉट को रख दिया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है मेरे दोस्त, इस तरीके से मैंने टीम की पूरी फॉर्मेशन तैयार किया। और मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखिए इसके अंदर भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे, आप बस कोशिश ये करना है मेरे दोस्त, कैप्टन एक रखो और टीम में प्लेयर्स को रोटेट करो। जैसे ही आप प्लेयर्स को रोटेट करोगे ना, और जिस दिन आपके कैप्टन चलेंगे, तो आपकी टीम अपने आप रैंक पे आनी शुरू हो जाएगी। और यकीन मानो इस तरीके की टीम टॉप 10 के अंदर आनी ही आनी है। बस आपको उस दिन का इंतजार करना है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। मैच आप वैसे भी ग्रैंडली हमेशा नहीं जीत पा रहे हो, तो किसी दिन पेशेंसफुली आप इस चीज़ का इंतजार करो, और फिर आप उस दिन का इंतजार करो जिस दिन आपका प्लेयर चले, और जिस दिन आपका प्लेयर चलेगा वो दिन आपका होगा, और वो ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक भी आपकी आएगी। नो डाउट हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो रैंक एक भी आए, ठीक है, जो कि आनी ही आनी है। तो इस तरीके से मेरे फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको एक चीज मैटर समझाना था कि अगर आप ग्रैंड लीग जीतने की उम्मीद करते हो तो इस तरीके से भी आप एक अच्छे रैंक लेके आ सकते हो, जिसके अंदर आपकी 10 मैच में से 9 मैच की लॉस जो है एक मैच लॉस से कई गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट देकर चली जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करो। अगर कुछ भी इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।